व्यवस्था पानी की व्यवस्था वगैरह करें। जिलाधिकारी सभागार में CDO अनुज कुमार सिंह की अध्यक्षता में निराश्रित गौवंश के संरक्षण और संवर्धन और उसके उत्थान के लिए गोकुल गोवंश आश्रय स्थल समिति के साथ बैठक का आयोजन किया गया। योजना है ताकि आगामी वर्षा ऋतु के समय में पशुओं के खान पान के लिए या भूसा की कोई कमी न होने पाए, तो इस तरह से ये प्रयास जनपद में इस समय चल रहा है सर। और जो नगर पंचायत केयर टेकर को नहीं कर पाया उसके अनुपात में रखना पड़ेगा, तो उसके व्यय का वहन करने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम भी एक कॉर्पस फंड क्रिएट करें। लखीमपुर खीरी ने बहुत अच्छा कॉर्पस फंड क्रिएट किया हुआ है, उनकी समिति का कॉर्पस फंड अराउंड मोर देन 1 करोड़ है और 1.5 करोड़ के आसपास है, और सिर्फ सरकार कुछ साल तक इनकी सहायता कर सकती है, लेकिन एक निरंतर रूप से सहायता दे पाना संभव नहीं होता। और एक निरंतर रूप से किसी अधिकारी को भी किसी गौवंश आश्रय स्थल पे बार बार उसको मतलब फॉलोअप करना बार बार उसके लिए हमेशा के लिए संभव नहीं रहता, तो अच्छा ये रहेगा कि हम इस पर भी विचार करें। वहाँ पे DM साहब का ये प्रपोजल था कि वहाँ पे हम कुछ जो गोबर इत्यादि जो बनते हैं उसके कुछ गमले बनाने का काम, उसमें अगरबत्तियाँ बनाने का काम, इस तरीके